शरीरम व्याधि मंदिरम, अर्थात यह मानव शरीर व्याधियों का केंद्र है। आधुनिक समय में जीवन की जटिलताएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि मनुष्य विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों से ग्रसित होता जा रहा है, तथा अत्यधिक सावधानी बरतने पर भी हम किसी न किसी रोग के शिकार हो जाते हैं। तब ऐसे में अगर हम इनसे निजात पाने की बात सोचते हैं तो अधिकतर लोग एलोपैथ चिकित्सा को ही प्राथमिकता देते हैं। सन 1974 में एक सर्वेक्षण के दौरान यूएस शिनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 9000 रोगियों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने पाया कि 70 रोगी ऐसे थे जिनकी रोग निरोधक क्षमता समान मानक से बहुत कम थी। पूछने से ज्ञात हुआ कि ये सभी मरीज ऐसी रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते थे जो हानिकारक थी, और बाद में यही लोग कैंसर ग्रस्त पाए गए। लेकिन वहीं अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति और धरोहर की ओर देखें तो हम पाएंगे कि अभी भी हमारी कई ऐसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं जो रोगों के गुण दोषों को साम्यावस्था में लाकर स्थायी लाभ एवं आरोग्य प्रदान करती है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य रोगों को जड़ से खत्म करना है, और इसीलिए कई वर्षों से इस क्षेत्र में होने वाले नित नए अनुसंधानों से सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी इसको अपनाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कुछ मुख्य चिकित्सा पद्धतियों के बारे में, जिनका आज के आधुनिक समय में क्या महत्व है और वह किस प्रकार से अन्य चिकित्सा पद्धतियों से भिन्न है।
इसलिए प्राणिखिली में हम स्थूल शरीर का तो उपचार करते ही हैं, साथ ही साथ औरिक शरीर का, ऊर्जा शरीर का, जीव द्रव्य शरीर, वायवी शरीर के नाम से जो जाना जाता है, उसका भी उपचार करते हैं। इसीलिए इसके माध्यम से स्थूल रोग को तो ठीक किया ही जा सकता है, साथ ही साथ इसके जो विशेष लाभ है कि हम भावनात्मक शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का भावनात्मक रोग है, मनोवैज्ञानिक रोग है, तनाव है, अवसाद है, उस तरह के रोगों को जो मानसिक और आध्यात्मिक कारण वाले भी रोग होते हैं, उनका भी इससे समूल उपचार किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम अपने परिवार में, समाज में रहने वालों के साथ जो रिलेशन है उसको भी हम स्वस्थ बना सकते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण स्तर की, आध्यात्मिक स्तर के भी समस्त रोगों को उसके समूल कारणों सहित हम इसको उपचारित कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय में प्राणिक हीलिंग को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक भौतिकता और आध्यात्मिकता को जोड़ने वाले एक विशिष्ट माध्यम के रूप में भी हम इसको देखते हैं और इसका उपयोग किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान कहा जाता है इसे, क्योंकि इसके सारे सिद्धांत आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है। एक्यूप्रेशर का शाब्दिक अर्थ एक्यू और प्रेशर है। एक्यू मीन्स सूक्ष्म बिंदु, बिल्कुल छोटा सा स्थान, और प्रेशर मीन्स होता है दबाव देना, अर्थात शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं को दबाव दे करके उपचार करना, इसको एक्यूप्रेशर कहा जाता है। यदि इसके इतिहास के बारे में यदि प्रकाश डाला जाए तो इसको यूं कहा जा सकता है कि एक्यूप्रेशर जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ है उसमें विभिन्न नामों से जाना गया है, जिसमें मर्म बिंदु, जिसे मसाज, या उसको जिसे हम लोग सूचि भेदन कहते हैं, जो एक्यूपंचर के नाम से चाइना में जो फेमस हुआ है। तो इसका जो मूल उत्पत्ति स्थल है यह है आयुर्वेद, और इसे कालांतर में आगे बढ़ते बढ़ते गए, ये अलग अलग नामों में, अलग अलग देश में अलग नाम से प्रसारित किया गया, और वर्तमान में जो हमारे पास जो स्वरूप आया है ये एक्यूप्रेशर के रूप में है, जिसमें उसकी भी बहुत सारी वेरिएशंस है, जैसे कि सुजोग थेरेपी, चाइनीज एक्यूपंचर, जापान का आपका जोनोलॉजी, इलेक्ट्रो एक्यूपंचर, बहुत सारे अलग अलग थेरेपी के नाम में प्रचलित है। वैसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 150 एबोव है। वर्तमान में जो एक्यूप्रेशर की जो महत्ता इतनी बढ़ी हुई, इसका मेन कॉसेज है कि इसकी उपयोगिता जन सामान्य के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। यूँ है कि इसका नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका प्रयोग करके आज बड़े बड़े रोग को भी ठीक करने का सामर्थ्य हमारे पास एक्यूप्रेशर में है, और भारत जैसे देश जो गाँव में बसता है उनके लिए तो एक्यूप्रेशर एक कह सकते हैं एक वरदान के रूप में है, और वरदान सिद्ध हो रहा है। हमारे यहाँ जितने भी बाहर से लोग रोगी आते हैं, रोग लेकर आते हैं, उसको उपचार देते हैं, और निश्चित तौर मानिए कि 95% व्यक्ति यहाँ से स्वस्थ हो के जाता है। यदि आपको कभी सुजोग थेरेपी का अगर एक कोई चार्ट में दिखा दूँ, मेरे बुक है, उस बुक में सारे चार्ट दिया गया है कि हाथ में जैसे आँख यहाँ पे हैं और स्टमक यहाँ पे हैं, लीवर इस तरफ है, राइट साइड में, ऐसे पूरे पूरे बॉडी ऑर्गन हाथों में हैं। यदि उसको आप केवल दबाते हैं या मसाज करते हैं या थोड़ा सा इसे मालिश कर देते हैं, ये मालिश करके ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। या अन्य शब्द में कह सकते हैं, हाथ का अधिक से अधिक अच्छे प्रयोग करें, थोड़ा सा श्रम का काम करें, मेहनत काम करें, या उंगलियों का मसाज करें, ज़्यादा और कुछ भी ना हो तो हाथ की ये जो चैनल है पीछे के 1, 2, 3 ये अलग अलग चैनल है, जैसे इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन चैनल, इसको कहते हैं ये वाले जो है किडनी चैनल है, और इसके बीच वाले जो है वो स्पाइन चैनल है, और लास्ट वाले हार्ट चैनल है। ये चारों चैनलों को यदि केवल डेली मसाज कर दिया जाए, ऐसे ऐसे मसाज कर दिया जाए, व्यक्ति के लगभग सारे प्रॉब्लम इसे सॉल्व हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अगर थोड़े थोड़े वैसे हाथ और पैर दोनों का, उंगलियों का डेली मसाज कर दें, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है, सारे उंगलियों का डेली मसाज कर दें, नाभि में एक बूंद तेल डालें सोते समय, और पैर की उंगलियों में थोड़ा सा, ठंडी के मौसम है तो कड़वा तेल अथवा सरसों का तेल लगा ले, गर्मी के दिन है तो कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं इन सभी में। इससे भी हमारे बाल का झड़ना हो, या फिर होंठ का फटना, एड़ी का फटना, डेंटल संबंधी प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसको यदि दैनंदिन जीवन में अपनाया जाए
तो नेचुरल लाइफ जी करके हम इसमें स्वस्थ रह सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कहूँगा कि एक्यूप्रेशर जो नेचर साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, ये निरापद है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और साइड इफेक्ट ना होने के साथ साथ ये तुरंत ही क्विकली अर्थात तुरंत ही इफेक्ट डालने वाला है, व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में अभी से नहीं, आज से 15 साल कंटिन्यू ये सारे चिकित्सा पद्धति वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में कार्यरत है। यदि इसे अपनाया जाए, जीवन में स्वीकार कर लिया जाए और दैनंदिन जीवन में अपना लिया जाए, तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, आनंदपूर्वक जीवन जिया जा सकता है और उनका जीवन उज्ज्वल बन सकता है। कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, तो ये निरोगी काया प्रदान करने की एक चिकित्सा पद्धति है और ये वरदान है, परमात्मा का दिया हुआ, इसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए और स्वास्थ्य का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। कहते हैं कि स्वास्थ्य मनुष्य की अमूल्य निधि है, इसी पर मनुष्य की प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि एवं क्रियाकलाप निर्भर होते हैं। शरीर का स्वस्थ होना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज एवं राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। कहा भी गया है कि शरीर माध्यत खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर के माध्यम से ही जीवन के सभी कार्य संपन्न होते हैं। अतः शरीर स्वस्थ होने पर ही कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित किया जा सकता है। अगर हमें पूर्ण स्वस्थ रहना है तो अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर इन चिकित्सा पद्धतियों को दैनिक जीवन में अपनाकर स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि देव दुर्लभ शरीर को स्वस्थ रखे बिना प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। वास्तव में खान पान, आहार विहार एवं रहन सहन की अनियमितता तथा असंयम के कारण ही रोग और व्याधियों का जन्म होता है। प्रकृति के कुछ सरल और स्वाभाविक नियम हैं, जिनके अनुपालन का ध्यान रखने पर व्यक्ति प्रायः स्वस्थ रहते हैं। यदि कोई कारणवश कोई बीमारी हो भी जाती है तो बिना औषधि सेवन किए वे प्राकृतिक नियमों के पालन से स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसी ही प्रकृति द्वारा प्रदान प्रणालियां हैं, जिन्हें हम वैकल्पिक चिकित्सा के नाम से जानते हैं।